सो मध्याह्न बच्चों, आज आप लोग चंदापीठ कथा के पूर्व गद्यांश से आगे का गद्यांश पढ़ेंगे। पप्रक्ष च केऊरक कथय कच्चित् कुशलिनी स सखी जना देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता च इति। केऊरक कथय, कहो कच्चित्। कुछ कुशलिनी, कुशल पूर्वक स सखी जना, सखी सखी जनों सहित देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता और भगवती महाश्वेता इति। असौ यह, तू तो अद्य आज कुशलिनी कुशल से याम जिसको देव एवं इस प्रकार देवा देव रक्षति पूछते हैं इत्याभिधाय ऐसा कहकर कादंबरी प्रहितानी कादंबरी के द्वारा भेजे गए अभिज्ञानान पहचान चिन्हों को अदर्शयत दिखाया। मरकत हरिंति, मरकत मणि जैसी हरि। विपनीतत्वंच पूगी फलानि विपनीत्वं त्वचिंच छिलके रहित पूगी फलानि सुपाड़ी। शुक कपोल पांडुनि सुग्गे के कपोल जैसे पीले। तांबूल दलानी पान के पत्ते। मृग मदा मोदम मोद मनोहर मलयज विलेपनम चेति। मृग मदा मोद कस्तूरी की गंध से युक्त मनोहर मलयज विलेपनम मनोहर चंदन का लेप। अब्रवीच और कहा अंजलिना हाथ जोड़कर देवम देव की अर्चयति अर्चना करती है कादंबरी महाश्वेता च और महाश्वेता कुशल वचसा कुशल समाचार से। नमस्कारेण च नमस्कार के द्वारा च और मद लेखा। संदिष्टम च संदेश दिया है और दिया है महाश्वेता महाश्वेता के द्वारा। हिंदी अनुवाद। पप्रक्षचा के उरक कथय कच्चित् कुशलिनी स सखी जना देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता च इति। और पूछा पिछले प्रसंग में आपने पढ़ा था कि चंद्रापीड़ ने अचानक प्रतिहारी के साथ प्रवेश करने वाले केऊरक को देखा। और उससे गले मिलकर अपने समीप बिठा लिया था। उसी से आगे का कि केऊरक से चंद्रापीड़ पूछता है पप्रक्षचा केऊरक और पूछा केऊरक कथय कहो कच्चित् कुशलिनी स सखी जना देवी कादंबरी
सखियों सहित कादम्बरी तथा महाश्वेता, भगवती महाश्वेता कुशल से तो है, कच्चित क्या कुछ कुछ कुशल से है। असौ तु अद्य कुशलिनी, असौ उसने कहा, अद्य कुशलिनी याम एवं देवा प्रक्षति, राजकुमार आप इस प्रकार आज जिनके बारे में पूछते हैं वह कुशलता पूर्वक हैं। आज अद्य मने आज, कुशलिनी मने कुशल पूर्वक हैं। इत्याभिधाय ऐसा कहकर कादंबरी प्रहितानि अभिज्ञानानि अदर्शयत, ऐसा कहकर कादंबरी द्वारा भेजे गए अभिज्ञानानि पहचान चिन्हों को अदर्शयत दिखाया। मरकत हरिंती, मरकत मणि के समान हरि, विपनीतोंची पूगी फलाने, छिलके रहित पूगी फलाने सुपाड़ी, शुक कपोल पांडुनी तोते के कपोल जैसे पीले, तांबूल दलानी पान के पत्ते, मृग मदामोद कस्तूरी के गंध से युक्त, मनोहर मलयज विलेपनम सुंदर चंदन का लेप इति, ये सारी सामग्री चंदापीठ को केवरक ने दिखाया। अब्रवीच्य और बोला, और बोला कि देवी कादंबरी ने अंजलिना हाथ जोड़कर देवम अर्चयति, कादंबरी ने हाथ जोड़कर और महाश्वेता चा कुशल वचसा, और महाश्वेता ने कुशल वचनों से देवम अर्चयति आपका अभिनंदन किया है। अंजलिना देवम अर्चयति कादंबरी महाश्वेता च कुशल वचसा, देवी कादंबरी और महाश्वेता ने कुशल वचनों से, कादंबरी ने हाथ जोड़कर और महाश्वेता ने कुशल वचनों से देव की अर्चना की है, अर्थात देव का अभिनंदन किया है, अर्थात आपका अभिनंदन किया है। नमस्कारेण च मदलेखा, और नमस्कार के द्वारा मदलेखा ने नमस्कार किया है। संदिष्टम च तव महाश्वेतया, और देवी महाश्वेता ने आपके लिए संदेश भेजा है। प्रश्नोत्तर, प्रथम प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम् लेखकम् च नाम लिखत्। उपर्युक्त गद्यांश का, गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम् नाम चंद्रापीठ कथा, अस्य लेखकः च बाणभट्टः अस्ति। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और अस्य लेखकः, और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। द्वितीय प्रश्न, केवरक कथय, कच्चित कुशलिनी सखी जना देवी कादंबरी महाश्वेता च, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए।
उत्तर केवरक कथा कहो कच्चित गुशन्ने ससखी जना सखी जनों सहित देवी कादंबरी और भगवती महाश्वेता कुशल पूर्वक है ना। तृतीय प्रश्न चंद्रा पीड़ा केन पप्रक्ष उत्तर चंद्रा पीड़ा केवर केन पप्रक्ष चंद्रा पीड़ ने केवरक से पूछा। चतुर्थ प्रश्न कादंबर्या प्राहितानि किम अदर्शयत कादंबरी द्वारा प्राहितानि भेजे गए किम क्या अदर्शयत दिखाया गया। उत्तर कादंबर्या प्राहितानि अभिज्ञानानि अदर्शयत कादंबरी के द्वारा प्रहितानी भेजे गए पहचान चिन्हों को अदर्शत दिखाया स्मरण चिन्हों को अदर्शत दिखाया। पंचम प्रश्न प्रतिहारी किम अब्रवीत प्रतिहारी ने क्या बोला प्रतिहारी अब्रवीत प्रतिहारी ने कहा अंजलिना देवम अर्चयति कादंबरी महाश्वेता च कुशल वचसा नमस्करेण च मदलिका। अंजलिना हे देव देवम देव को अर्थात आपको अंजलिना हाथ जोड़कर कादंबरी ने हाथ जोड़कर और महाश्वेता ने कुशल वचनों से और मदलेखा ने नमस्कार के द्वारा आपका अर्चयति मने अभिनंदन किया। अगला गद्यांश देखिए बच्चों धन्या खलु ते एषां न गतो अपि चक्षुषोर विषयम् धन्य धन्य निश्चय ही कलु कलु निश्चय ही ते मने वे एशाम जिनके जिनके न गतो अपि नहीं हुए चक्षुषो विषयम आँखों का विषय नेत्रों का विषय इस प्रहंति चाहते हैं खलु मने निश्चय ही जना मने लोग सर्वे व्यतीत दिवसाए सभी दिवस बिताने के लिए त्वया तुम्हारे द्वारा वियुक्तम वियोग में विनिवृत्त महोत्सव महोत्सव वर्तते गंधर्व राज नगरम विनिवृत्त महोत्सव इव बीते हुए महोत्सव के समान अर्थात उदास वर्तते है गंधर्वराज नगर जानासी जा और जानते हो माम मुझको कृत सकल परित्याग त्यागाम सबका परित्याग करने वाली तथापि फिर भी अकारण पक्ष पातिनम अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम अकारण पक्षपातिनम निस्वार्थ पक्षपात करने वाले भवंतम आपको द्रष्टुम देखने के लिए इच्छति इच्छा करता है मे हृदय मेरा हृदय अपिचा फिर भी अपिचा और भी बलवत बहुत अधिक
अश्वस्थ शरीरा कादंबरी, अश्वस्थ शरीर वाली कादंबरी है। स्मृतिचा और स्मरण करती है। स्मरेर आननम, स्मर कल्पम त्वम, स्मेर आननम हंसता हुआ मुख, स्मर कल्पम कामदेव के समान, त्वम माने तुमको। अतः पुनर आगमनेन आज इमाम संभावयितुम, अतः इसलिए पुनः पुनरागमनेन पुनः आगमन से, आज ही मने दिन में इमाम इसको संभावयितुम संभावयितुम सम्मानित करने योग्य है। अवश्यम सोडव्य, अवश्य सहन करें। चे यम और यह कदर्थना कुमारेन और कुमार के द्वारा, कदर्थना कष्ट, भवत भवत सुजन सुन सुजनतैव जनयति, भवत सुजनतैव जनयति, आप सुजनतै आपकी सज्जनता ही, भवत सुजनतैव जनयति आपकी सज्जनता ही जनयति उत्पन्न करती है। अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम, अनुचित संदेश भेजने की प्रागल्भ्यम दृष्टता इति ऐसा इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, एषः देवस्य शयनीये विस्मृता हारा रहिता, यह एषः यह देवस्य देव का शयनीये शयन में विस्मृता भूला हुआ हारा हार प्राहिता भेजा है। इति उत्तरीय पटांत संयत, इति ऐसा उत्तरीय पटांत संयत चद्दर के आंचल में बंधे हुए तत्सर्व में मुझ उस सभी को खोलकर चामर ग्रहण करे, हाथ में चामर ग्रहण किए हुए समर्पितवान मैंने दे दिया। हिंदी अनुवाद, धन्य खलु वे लोग धन्य हैं, एशान नगतो अपि चक्षुषो विषयम्, जिन्होंने अभी तक आपका दर्शन नहीं किया है, आप लोग जिनके नेत्रों के दर्शन का विषय नहीं बने, इस प्रहंति खलु जनाः सर्वे व्यतीत दिवसाय, यहाँ के सभी लोग, सर्वे जना सभी लोग फिर उन्हीं बीते हुए दिनों की लालसा में पड़े हैं, अर्थात इच्छा करते हैं, बीते हुए दिनों की इच्छा करते हैं। त्वया वियुक्तम, तुम्हारे बिना, आपके बिना विनिवृत्त महोत्सव इव बीते हुए उत्सव के समान गंधर्व राज नगर हो गया है, अर्थात उदासी से भर गया है। आपके बिना गंधर्व राज नगर जो है वो उदासी से भर गया है। जाना सी चा माम, माम मने मुझको, चा और आप जानते हैं कि
मुझको आप जानते हैं कि कृत सकल परित्यागाम, कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। सकल परित्यागाम, सकल सब कुछ, परित्यागाम छोड़ दिया है। तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम्। मे हृदयम् अकारण पक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टुम इच्छति। कहते हैं फिर भी मे हृदयम्, मेरा हृदय अकारण पक्षपातिनं, निस्वार्थ पक्षपात करने वाले आपको देखने की इच्छा करता है। अपिचा बलवत अस्वस्थ शरीरा कादंबरी, देवी कादंबरी भी अधिक अस्वस्थ हो गई है। स्मृतिचा और स्मरण करती है, इस मेरा आननम स्मर कल्पम त्वाम, वो कामदेव के समान इस मेरा आननम स्मर कल्पम, इस पर स्मर कल्पम कामदेव के समान इस मेर आनंद ने मुस्कुराते हुए चेहरे को मुख वाले तुमको स्मृति चा और याद करती है। कामदेव के समान इसमेर आननम, मुस्कुराते हुए आपके मुख को या आपको स्मृत मन याद करती है। अतः पुनरागमनेन अहस इमाम संभावयितुम, अतः पुनः आगमन से इमाम मने इसको संभावयितुम संभाव सम्मानित करे। अवश्यम सोढव्या चेयम कदर्थना कुमारेण, और यह कदर्थना भ्रष्टता कुमार के द्वारा सहन करनी चाहिए, सहन करने योग्य है। अवश्यम सोढव्या चे इयम कदर्थना कुमारेण, कुमारेण कुमार के द्वारा इयम कदर्थना ये उद्दंडता यह सोढव्या मने सहन करने योग्य है, अर्थात कुमार को सहन करना चाहिए। भवत सुजनतैव जनयति, आपकी सुजनता ही, आपकी सज्जनता ही इस अनुचित संदेश को भेजने की, अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम अनुचित संदेश को भेजने की धृष्टता करा रही है। इति इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर उसने कहा, एषः देवस्य शयनीये विस्मृता हारा प्रहिता, एषः यह देव के शयनीय मने शैया पर भूले हुए हार को प्रहिता भेजा गया है। उसने कहा कि आपके बिस्तर पर भूले हुए इस हार को उन्होंने भेजा है, प्रहिता भेजा है। इति उत्तरीय पटांत संयत तत्सर्वं विमुच्य चामर गृहिण्या करे समर्पितवान। इसके पश्चात उसने दुपट्टे के आंचल में उत्तरीय पटांत अर्थात दुपट्टे के आंचल में संयत बनी हुई सारी वस्तुएं तत्सर्वम
उन सभी वस्तुओं को विमुच खोलकर चमर डुलाने वाली चमर ग्राइन्या चमर डुलाने वाली सेविका को समर्पित कर दिया था, तो उसको दे दिया। प्रश्नोत्तर, प्रथम प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा और इसके लेखक बाण भट्ट है। द्वितीय प्रश्न, अकारण पक्षपातिनम भवंतम दृष्टुम इच्छति मे हृदयम रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। फिर भी आपके प्रति निस्वार्थ स्नेह रखने वाला अकारण पक्षपातिनम निस्वार्थ स्नेह रखने वाला मे हृदयम मेरा हृदय भवंतम आपको दृष्टुम देखना चाहता है। तृतीय प्रश्न, अकारण पक्षपातिनम भवंतम दृष्टुम इच्छति मे हृदयम केनोक्तः। अकारण पक्षपातिनम भवंतम दृष्टुम इच्छति मे हृदयम किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर, केवरुकेण उक्तः, केवरुक के द्वारा कहा गया है। चतुर्थ प्रश्न, अस्वस्थ शरीर वाली कौन है? उत्तर, अस्वस्थ शरीरा कादंबरी। पंचम प्रश्न, जना कस्से इस प्रहंति, लोग किसकी इच्छा करते हैं, किसके लिए इच्छा करते हैं? जना व्यतीत दिवसाय इस प्रहंति, लोग बीते हुए दिनों की इस प्रहंति इच्छा करते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे।